कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने जो फेवरेट हेयर ऑयल्स हैं उनको शेयर किया था, जिनको जिनमें मैंने जो सबसे नंबर वन पे रखा था वो था ऑनियन ऑयल। ऑनियन ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑनियन सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, आपके बालों को झड़ने से तो बहुत ज्यादा बचाता है, मतलब हेयर फॉल के लिए तो समझ लीजिए सच में ये मैजिक है। बहुत पहले मैं यूज नहीं करती थी, अभी साल दो साल पहले ही मैं ऑनियन का यूज करना शुरू की हूँ, अपने बालों पे अप्लाई करना शुरू किया है और इसका जो रिजल्ट है मुझे सच में बहुत अच्छा आया है। तो उसमें मुझे एक कॉमेंट आया था कि दी इतने महंगे ऑयल हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज इसका रेमेडी शेयर कर दीजिए, आप इसका बता दीजिए कि हम किस तरीके से जो घर में है अच्छा ऑनियन ऑयल बना सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप अपने बालों में प्याज का यूज करते हैं तो आपके बालों को, मैं पहले ही बता दूं कि इतना कोई बहुत जादू की बात नहीं है कि आपको बस एक बार आपने लगाया और सही हो गया, थोड़े दिन आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस जो सीरीज की और भी वीडियोस अभी आने वाली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको प्याज ले लेनी है। प्याज लेते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा दिन तक रखना है, मतलब कितना दिन तक आपको ऑयल रखना है, वो महीना दो महीना चार महीना या छह महीना रखना है, तो छह महीने भर का भी आप चाहें तो बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको आपको हफ्ते में दो दिन लगाना है। जो रेड वाली जो लाल वाली प्याज होती है, आपको ब्राउन वो जो दूसरी वाली आती है पिंक वाली, आपको वो नहीं लेनी है, आपको रेड वाली प्याज लेनी है, लाल वाली। तो आप लगभग 250 ग्राम के अराउंड आप प्याज ले लीजिए और आधा लीटर के अराउंड आप ले लीजिए जो ऑयल होता है वो। अब ऑयल आप चाहे तो जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, तिल का तेल जो आता है यानी कि सेसमे ऑयल वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको जो ऑयल सूट करता है, अगर आप मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, आपको वो लेना है। तो मतलब एक पाव आपको लेना है प्याज, आधा लीटर आपको लेना है कोई भी ऑयल। अब आपको क्या करना है, प्याज को या तो आप छोटा छोटा काट भी सकते हैं और या तो फिर आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। काटना आपको आसान लगता है तो आप काट दीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में उसको रख दीजिए। याद रखना है आपको आंच को तेज नहीं करना है, बहुत धीमी आंच पे उसको बॉईल होने देना है। जब आपकी जो ऑयल है वो लगभग आधा हो जाए उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। और उसके बाद आपको करना ये है कि जो ऑयल है उसको आप मतलब ठंडा कर लें, और उसके बाद उसको कोई भी आप मतलब बॉटल ले लें या जार ले लें, उसमें आपको अच्छे से छान के उस ऑयल को रख लेना है। हफ्ते में दो दिन आपको बढ़िया से या तो फिंगर टिप से या तो कॉटन से अच्छे से मांग निकाल निकाल के आपको पूरे बालों में लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आप एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा, या फिर आप एक दिन पहले रात को लगा लीजिए, दूसरे दिन हेयर वॉश कर लीजिए, नॉर्मल जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों ये ऑयल लगाने के बाद मुझे वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा, एक महीने बाद, हफ्ते में दो दिन यूज करना है, एक महीने लगातार यूज कीजिए आप, उसके बाद आके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है, मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में।